बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी देखने वालों का। आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है एनसीईआरटी ऑफिशियल इटसेल्फ। मैं हूं आपके साथ रेणु भट्ट और हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस समय हमारा सेटअप है क्योंकि ढेर सारे एक्टिविटीज़ लेकर आई हैं हमारी एक्सपर्ट। मैं आपको टॉपिक बता दूं, हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण के बारे में जाने आपको बताया जाएगा। और हमारी एक्सपर्ट हैं आप हैं डॉक्टर रवि ज्योत संधु, PGT केमिस्ट्री NDMC नवयुग स्कूल लक्ष्मीबाई नगर दिल्ली से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जैसे कि आपने देखा कि हमारा सेटअप अभी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और हम ढेर सारे एक्टिविटीज़ के साथ अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। डियर लर्नर्स, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो आप अपनी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट तक ज़रूर पहुंचाएं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर। हमारा टेलीफोन नंबर है 8800 440 559 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। तो आप फटाफट अपने मेल्स और हमें फ़ोन कॉल्स के माध्यम से जुड़े और मैम समय बर्बाद ना करते हुए हम क्विकली अपनी एक्टिविटीज़ पर आते हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पास ढेर सारा सामान है और हमें कई एक्टिविटीज़ करनी है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हम शुरू करें, जैसे पहले भी आपने सेशन एक्टिविटीज़ से ही शुरू किया है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप प्लीज़ अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करें और हमारे लर्नर्स को इस टॉपिक के बारे में बताएं। सभी मेरे विद्यार्थियों को मेरा स्नेह पूर्वक नमस्कार और मेरे टीचर साथियों को और रिसर्चर्स को भी नमस्कार। और आज जैसे कि इन्होंने बता ही दिया है बहुत सुंदर तरीके से, तो आज हम लोग जो अपनी एक्टिविटीज़ लेकर आए हैं, स्ट्रेट अवे कमिंग टू दैट, बिकॉज इन द प्रीवियस एपिसोड यू हैड लर्नड अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड। सो लेट अस गो अ लिटिल फर्दर एंड आफ्टर दिस सेशन वी आर गोइंग टू अचीव सर्टन लर्निंग आउटकम्स। सो लेट अस क्विकली हैव अ ग्लांस एट देम। द फर्स्ट लर्निंग आउटकम विच द students will be able to achieve are that the learner plans, conducts investigations to arrive at and verify facts, to seek answers to queries on their own, and also the learner takes appropriate precautionary measures while handling apparatus during laboratory work, and you will also be able to relate processes and phenomena with causes and effects. And lastly, you will be able to draw label diagrams. Yes, so let us begin quickly. And as you can see here, यहाँ पे हम आपके लिए कुछ एक्टिविटी लेके आए हैं बच्चों। इससे पहले कि आपने जो है ये पढ़ा हुआ है दैट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं दे कैन बी वेरी इजिली सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड्स। और चलिए हम क्विकली एक बार जो है रिकॉल कर लेते हैं। देखिए एक बहुत सुंदर सी मैं ड्राइंग लेकर आई हूँ बच्चों। आप लोगों को ड्राइंग करना पसंद है तो बताइए जरा कि ये ड्राइंग जो है इसमें क्या दर्शाया जा रहा है, ये कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन है, क्या आप बता सकते हैं? मैम ये यहाँ पर इन्होंने जो फसल कटी है उसके बाद उनको कुछ साफ कर रहे हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा पीटा जा रहा है। और ये जो है बच्चे हमारे छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि इसको बोला जाता है थ्रेशिंग। सो दिस इज वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो एक दूसरी और सुंदर सी तस्वीर जो कि मेरे स्टूडेंट से बनाई थी ये देखिए। तो इस तरीके से आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को शामिल करते हुए फटाफट हम लोग रिकॉल कर रहे हैं इस प्रोसेस का मेरे साथ साथ। मुझे आशा है कि आप सब जो है इसके बारे में जान रहे होंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं विनोइंग। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे फिजिकल मेथड्स जो आप लोग पढ़ चुके हैं आप क्विकली उनको रिवाइज कर लीजिएगा अगर दिमाग से उतर गया है। और ये देखिए अब हम लोग के सामने एक सुंदर सा ये दृश्य। ये दृश्य आपको किसकी याद दिलाता है बताइए? मैम ये अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो ये बहुत फेमस पिक्चर है जिसमें महात्मा गांधी लीड कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं वो चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये डांडी मार्च है जिसको सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 21 मार्च को ये डांडी यात्रा के दौरान समुद्र के जल को नमक में जो है परिवर्तित किया गया था। तो वो जो नमक में परिवर्तित किया उन्होंने ब्रिटिश नीति के खिलाफ
जो है अवहेलना उन्होंने करी थी। तो इस तरीके से आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के थ्रू इतिहास और विज्ञान को जब हम लोग जोड़ लेते हैं आपस में तो बच्चे बहुत खूबसूरती से जो है जॉयफुल लर्निंग करते हैं। और यस, यहाँ पे इसी प्रोसेस में, इस प्रोसेस को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हमने डायग्राम मेकिंग के थ्रू जो है इसको रिकॉल करते हैं। ये बच्चे हमारे पढ़ चुके हैं और ये बहुत अहम लर्निंग आउटकम भी है कि बच्चों को लेबल डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये इंक है यहाँ पे, और इस इंक को जो है बीकर में रखे वाटर, ठीक है ना, वाटर के ऊपर वॉच ग्लास में इंक है। और ये क्या प्रोसेस का नाम आप बता सकते हो? यहाँ पे ये अगर हम इसको जलाएं तो ये जो इंक है हमारे पास इसमें क्या होगा? वाटर इवेपोरेट हो रहा है। यस, तो इस वाटर को इवेपोरेट करने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? मैम आप हाँ, तो ये हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बता पाएंगे कि इसको हम लोग कहते हैं एवोपोरेशन। तो ये वाष्पन की क्रिया है। अब वाष्पन की क्रिया में देखिए ये जो इंक होती है बच्चों, इंक हमारे पास है तो ये जो इंक में क्या दो कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो होता है पानी और दूसरा होता है डाई, ठीक है। तो आपने पानी को तो वाष्पन की क्रिया से जो है उड़ा दिया, अब हमारे पास डाई आ गया। तो आप एक बात बताइए, अब एक सवाल मन में उठता है कि इस डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, क्या ये एक सिंगल कलर से बनी हुई है? तो इसकी आप हम लोग जो है आज पता लगाएंगे। तो चलिए हम लोग बन जाते हैं कलर डिटेक्टिव। अब आंखों से ये कलर तो आपको क्या रंग का दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा होगा आपको ब्लैक, ब्लैक कलर का। लेकिन हम लोग कलर डिटेक्टिव बन के चलिए जानते हैं कि इसके अंदर क्या और कोई रंग छुपे हुए हैं। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा क्रियाकलाप करना पड़ेगा। और देखिए उसके लिए हम लोग लाए हैं यहाँ पे ये फिल्टर पेपर्स। कैन यू सी दीज फिल्टर पेपर्स? सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट टेक अ स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पेपर एंड यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन from the lower edge around at 3 centimeter, as you can see I have drawn with pencil, and then जो हमें color को अलग करना है बस शर्त यह है कि वो water soluble होना चाहिए। तो चाहे आप वो fountain pen की ink को लीजिए या आप कोई भी स्केच पेन की जो water soluble ink है उसका हमने dot लगाना है right at the center। तो यहाँ पर मैं dot लगा रही हूँ, देखिए center में, ठीक है मैम। यहाँ आपने फिल्टर पेपर के सेंटर में डॉट लगाया, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन टू यूज दैट स्पॉट इन बिटवीन दैट पेपर सेंटर में? क्योंकि अगर हम सेंटर में लगाएंगे तो जो ये कलर जो है ये इंक में डाई है और पानी है, ये लेके आप देखेंगे जब अगर बाउल में अगर आप हैंडकरचीफ रख दें कोने में तो पानी धीरे धीरे जो है वो सोख लेता है। तो ये थोड़ा सा सीधी लाइन में सोखे और हमारे जो भी आगे क्रिया होने वाली है मैं अभी बताऊंगी नहीं, तो वो कहीं इधर उधर जो है वो कागज़ के निकल ना जाए। तो यहाँ पे आपको बस एक जो इम्पोर्टेंट विधि है, देखो हैंडलिंग ऑफ एपरेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि ऐसे लगाते हैं तो आप घर में भी, क्योंकि आपको क्रियाकलाप करना ज़रूरी है बच्चों, चाहे आप लैबोरेटरी में करिए क्योंकि आप नवीं कक्षा में आ गए हैं, चाहे आप घर में करिए, लेकिन करना ज़रूर है तभी आपको विज्ञान में जो है पढ़ने में आनंद आएगा। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो हम स्ट्रिप अंदर रखेंगे, देखिए मैंने यहाँ झाड़ू की सीख ले ली है, यू कैन इवन टेक अ ग्लास रॉड और यू कैन टेक अ पेपर क्लिप, एंड वॉट वी हैव टू डू इज हमको इसको इंसर्ट करना है इस तरीके से कि ये जो हम इसको डिप करेंगे सो इट शुड बी अबव द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हमारा शुरू हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्राउन कलर, और हम दूसरा भी एक ले लेते हैं जिसमें ये मैं काली इंक यहाँ पे स्याही है, बच्चे देख रहे होंगे, तो ये सेटअप हम लोग कर देते हैं ताकि ओके ये वाला हम देखते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा आप लोग देख लिया करो कि हमारा डिप नहीं होना है डॉट, सो इसको भी हम लोग तीली से एक मार्क इसमें भी लगा देते हैं। हाँ, यहाँ पे सेंटर में मैं लगा रही हूँ जी, ठीक है, राइट। सो आई होप कैमरे में ये कैप्चर हो रहा होगा और बच्चे जो है इसको देख रहे होंगे जी। तो अगेन ध्यान आपने ये रखना है कि ये हमने सेंटर में लगा दिया, और ये मैं ग्लास गैस जार में इसको डिप कर रही हूँ। तो जैसे कि कहा, बस ये ध्यान रखना है कि ये सीधा रहे, ठीक है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है तो लेट मी एडजस्ट। सी चिल्ड्रन, यही आपने हिट एंड ट्रायल करके आपको एपरेटस को अच्छे से हैंडल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने लगा दिया है और एकदम सेंटर में है ये,
एंड यहाँ पे थोड़ी सी देखिए कुछ हरकत ये कर रहा है, ठीक है ना, ये हमारा जो है पानी के साथ जो है डाई को लेके चला ऊपर, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मैं जब तक ये यहाँ पे हमारा हो रहा है, लेट अस सी अनदर एक्टिविटी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ. तो इसको हम यहाँ पे सरका देते हैं। ओके, एंड वी हैव अनदर एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ यू, इसको भी यहाँ रख देते हैं। ओके, तो ये देखिए ये क्या है, जी इसको मुझे लगता है कैमरे के लिए यहाँ रख दें, ताकि साइड में करेंगे ताकि हमारे जो व्यूअर्स को जो है ये एक्टिविटी बढ़िया तरीके से नजर आए। तो बच्चों देखिए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हैंडलिंग ऑफ एपरेटस जो है आपको नवीं कक्षा में आना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक नया सेटअप है। अब यहाँ पे जो है, चलिए देखते हैं आप लोग पहचान पाते हैं कि नहीं कि यहाँ पे क्या क्या मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। इस सेकेंड एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होगा फनल। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास फनल है, थोड़ा सा कॉटन चाहिए हमें, और इसको कहते हैं चाइना डिश, दिस इज़ चाइना डिश। तो मैंने आपको जो है यहाँ पे लेबलिंग कर दी है ताकि आप याद रखें। और ये है वायर गॉज, ये वायर गॉज है हमारे पास, और ये ट्राईपॉड स्टैंड है बच्चों, ये मैंने नीचे लिख दिया है ट्राईपॉड स्टैंड, ये वायर गॉज हो गया। फिर हमें चाहिए होगा फनल, ये फनल हमने यहाँ रख दिया है, ये टोंग है, राइट, सो दिस इज टोंग। स्पिरिट लैम्प है यहाँ पे, एंड वॉच ग्लास। तो चलिए ये हमारा तो हो गया एपरेटस, अब लेट अस स्टार्ट विद द एक्टिविटी। तो चाइना डिश में यहाँ पे हमारे पास मैं लेकर आई हूँ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स। तो ये जो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स है इसको जो है हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू प्लेस एन इन्वर्टेड फनल ओवर दिस। अब आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि जब हम लोग इस तरीके से इन्वर्टेड फ्लास्क इसके ऊपर रखें तो ये जो इसका डायमीटर है और यहाँ पे ये चाइना डिश है, ये दोनों कंपेरेबल हो, बिकॉज इसको हम लोग जब हीट करेंगे तो वेपर्स जो हैं वो इधर उधर ना जाएं। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू प्लग दिस द स्टेम ऑफ द जो इसकी ओपनिंग है, इस स्टेम को वी विल प्लग इट नाइसली विद द कॉटन। दीज आर लिटिल लिटिल प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक। तो यहाँ पे क्योंकि मिक्सचर है और ये मिश्रण में से जो दो घटक है इनको हमें पृथक्करण करने की जो क्रिया है उसके लिए हमने ये सेटअप सजाया है। और यहाँ पे अब आपको, क्योंकि स्टूडियो में तो हम जो है इसको हीट नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन मैंने मॉक सेटअप आपके लिए करके दिखाया है। और यहाँ पे जब भी इसको हैंडलिंग करना होगा आपको टोंग से पकड़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैं टोंग भी लेकर आई हूँ। तो ये हमारा सेटअप है एक एक्टिविटी का, जहाँ पे वी हैव जो मिश्रण है उसके घटक को हमें अलग करना है। तो चलिए हम जल्दी से, क्योंकि ये यहाँ पे कर नहीं सकते थे, सो आई ऑलरेडी परफॉर्म दिस एक्टिविटी जस्ट बिफोर कमिंग हियर, सो लेट अस कंपेयर व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये दिस इज़ बिफोर, राइट, एंड दिस इज़ आफ्टर। सो क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? यस मैम, वो जो गैस है वो इसमें सॉलिड, यस मैम, सॉलिड उसमें फॉर्म में आ गई है, उसमें जो आपके पास है ग्लास का उसमें वो लग गई है, राइट। तो ये कहना ये चाह रही हैं कि देखिए चिल्ड्रन, यू हैव स्टडीड द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, दैट सॉलिड जो है वो लिक्विड बनता है, और फिर जब हाई टेम्परेचर और दो, तो जैसे बर्फ का एग्जांपल ले लें, तो बर्फ जो है वो सॉलिड है, वो पिघल कर पानी बनेगी, लिक्विड स्टेट, एंड देन फ्रॉम लिक्विड स्टेट इट विल गो टू गैशियस स्टेट। बट यहाँ पे तो कुछ पानी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो है सॉलिड, सम सॉलिड्स डायरेक्टली ऑन हीटिंग विदाउट गोइंग इन टू द लिक्विड स्टेट चेंज इन टू वेपर्स। इसका मतलब ये सॉलिड सब्लाइम कर गया, और जब कोई भी सॉलिड सब्लाइम कर जाता है सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो मैम यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये सॉलिड गैस डायरेक्टली सब्लिमेशन ही कहलाता है, जब ये ऐसा होता है प्रोसेस, तो ओके, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कि जब सॉलिड परिवर्तित हो गया है डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और जो ये गैस यहाँ से निकली होगी,
व्हाइट कलर के जो वेपर्स है जब इस सतह पे लगे तो व्हेन द गैस चेंजेस बैक इनटू सॉलिड इट इज कॉल्ड, बच्चों आपको तो जरूर पता होगा इसका आंसर, इट इज डिपोजिशन। ओके, ये बच्चे पढ़ चुके हैं और इनको मालूम होगा। और धन्यवाद कि आपने जो है यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर दिया, बच्चों को भी रिकॉल हो गया होगा ये। सो इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। सो जो अब यहाँ पे ये मिश्रण था देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ, दो बातें ध्यान रखनी है कि जब इस तरीके से हमारी ये क्रिया हो रही होगी, आप इमेजिन करेंगे कि व्हेन इट इज बीइंग हीटेड, तो हम ये गीले कपड़ा जो हमने रखा हुआ है, दिस इज वेट कॉटन, वेट कॉटन को हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है, वो सब्लाइम क्विकली कर जाता है। एक तो ये आपने प्रिकॉशन ध्यान में रखना है, राइट। और ये देखिए, ये क्योंकि मुझे स्टेप दिखाने हैं बच्चों को, इसलिए जो हम करके लाए थे सब्लिमेशन के बाद, हमारे पास जो बचा है, ये जो रह गया है, दैट मीन्स ये सब्लिमेबल सॉलिड नहीं है। सो द सॉलिड विच इज सब्लिमेबल, वो गैशियस स्टेट में आके फनल के इनर साइड में चिपक गया, तो वो सब्लिमेबल सॉलिड था, और जो सब्लिमेबल नहीं है वो यहाँ रह गया। तो बच्चों देखिए, ये हो गए ना अलग, और इस मेथड को हमने कहा, क्या मेथड को कहा, सब्लिमेशन, ठीक है ना। तो ये आपको चित्र भी बनाना आना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये जो है आप बनाएंगे, इस प्रोसेस का नाम जान लें, इट इज सब्लिमेशन, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर अब एक 10 मिनट का जो है, जब आप कर रहे होंगे इसको देख लिया है, तो एक छोटा सा असाइनमेंट भी हम लोग आपको देना चाहेंगे। तो ये इस तरीके से, जो मेरे टीचर एजुकेटर्स हैं वो भी ध्यान दें कि कभी भी जब साइंस की एक्टिविटी करी जाए तो उसको समराइज हम लोग जब करें, तो एक बच्चों को रिकॉल के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है, विच सेपरेशन टेक्निक वॉज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ द गिवन मिक्सचर। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई वॉज दिस टेक्निक यूज, एंड वाई कांट वी यूज फिल्ट्रेशन टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ दिस मिक्सचर। सो क्विकली चिल्ड्रन, यू कैन डू दिस क्वेश्चन, आई एम श्योर यू विल एंजॉय। एंड यस, अब ये आपको ये जो सॉलिड आ गया है यहाँ पे, इसको हमने अलग भी तो करना है, तो चलिए इसको आप यहाँ पे रखिए वॉच ग्लास, और ये मैंने उठाया ग्लास रॉड, ठीक है, फनल यहाँ रख देते हैं ये, और इसको आप सरका के इस तरीके से खरोच के जो है आपका सॉलिड वापस से जो है आपको मिल जाएगा, देखिए, राइट। तो ये आपका एक एक्टिविटी हुई कंप्लीट, राइट। और इसी एक्टिविटी से रिलेटेड एक और मैंने सवाल बनाया है, दैट एक असेसमेंट टास्क है जो आप लोग ने लेना है, दैट विच सेपरेशन टेक्निक विल गुरबीर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। जी हाँ बच्चों, तो ये आपको मैंने तीन घटक के मिश्रण जो है वो दे दिया, आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम के साथ सारे मेथड्स जो हैं वो डिपिक्ट करने हैं। तो इस एक्टिविटी को हम लोग साइड में करते हैं, बिल्कुल। और मैम, एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा दूसरा एक्टिविटी थी, यानी कि जो पहली एक्टिविटी हम अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए, उस पर हम वापस आते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जान पाएं कि एक्चुअल में उस एक्टिविटी का क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हमारे सामने आया, yes. क्या कंपोनेंट अलग अलग हुए। इंक की बात कर रहे थे हम कि क्या इंक एक ही कलर से बनी है जो आपको दिखती है, उसका रिजल्ट क्या है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। यस, तो देखिए, अब हम लोग बन गए थे ना कलर डिटेक्टिव, और जो हमारे काला रंग हमें दिखता है हमारी आईज से जो है, ये दीजिए, ये जो हमारी आईज जो हैं वो तो इसको काला ही देख रही है ना, सो दिस इज ब्लैक, बट एक्चुअल में एज अ डिटेक्टिव हमने जान लिया इसके पीछे की कहानी। देखिए, क्या ये अलग अलग रंगों में जो है वो सेपरेट हो गया है, दैट मीन्स कि दिस ब्लैक कलर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स, isn't it? देखिए कौन कौन से रंग अलग हो गया। यहाँ पर हम आपसे क्विकली एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत हमें ब्लैक के साथ साथ काफी कलर नजर आ रहे हैं, ब्लैक को छोड़ के हम यहाँ पे रेड भी देख रहे हैं, मरून, और उसका लाइट वर्जन भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपसे जरा पूछना चाहेंगे कि ये स्पेसिफिक है कि ये रेड कलर ही ऊपर आया है, और ये वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड।
तो ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि देखिए जो तो पानी से घुल मिल कर रहते हैं, देखिए बच्चों जब आप भी अपने जो दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहते हैं तो आप थोड़े तेज़ी से चलते हो, खुशी खुशी चलते हो, और जो घुल मिल कर नहीं रहते वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ है। द वॉटर सॉल्युबल पार्ट, द कॉम्पोनेंट विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वॉटर हैज़ रिजन फास्ट एंड द वन which is least soluble remains at the bottom. Okay. So this way आप लोग different different sketch pen से use करते हुए आप बहुत अलग अलग colors को जो है separate कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार और different colors जो है छुपे होते हैं एक ही रंग के अंदर। तो ये देखिए, ये हमने ब्लैक इंक वाला किया है, ये यहाँ पर किया है, हाँ, और एक आप boiling tube में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ को बस ध्यान आपको ये रखना है कि boiling tube में यदि कर रहे हैं तो आपकी strip इस तरीके से पतली होगी ताकि वो जो है साइड्स में एजेस जो है वो टच ना करें। तो आपके पास जो भी उपलब्ध सामान है उसमें आप इस टेक्निक को कर सकते हैं, और इस टेक्निक का नाम है क्रोमैटोग्राफी। जी हाँ बच्चों, दिस इज़ कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। क्रोमा, क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफियन मीन्स टू राइट। सो फाइंड आउट द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले इस टेक्निक को जो है वो इन्वेंट किया था, तो उस साइंटिस्ट के बारे में आप जो है थोड़ा सा खोजिए, उसकी स्केचिंग करिए, अपने एक साइंटिस्ट की एल्बम बनाइए, और लास्ट में इसको समअप करने के लिए आई हैव कम हियर विद द डायग्राम। हाँ जी प्लीज़, हम आपका डायग्राम हम फटाफट देखेंगे बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ, वी कांट गो अहेड ऑफ दैट टाइम बिकॉज हमें दूसरा प्रोग्राम भी स्टार्ट करना है। और बिल्कुल ये आप सभी ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे डियर लर्नर्स, और हम चाहते हैं आप इसको बहुत अच्छे से देखें। जैसे मैम ने आपको बताया फन एक्टिविटीज़ है और ये बहुत ईजिली आप लोग घर पर कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग घर पर करें ये एक्टिविटीज़, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ आपसे सब चीज़ें करें। जब जैसे आपको फनल और बीकर की बात हुई, इसमें जलाना भी है, जब फ्लेम की चीज बातें आ जाती है तो आप प्लीज़ उसका ध्यान ज़रूर रखें। मैम अभी हम यहाँ पर इस डिस्कशन को रोकना चाहेंगे और प्रोग्राम को हमें रैप अप करना है। बिल्कुल, तो आपको जो है बच्चों फटाफट इसको लेबलिंग करनी है यहाँ पे, टू सेपरेट द पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। पत्ती में से भी कैसे कलर्स अलग अलग किए जा सकते हैं, टेक्निक का नाम लिखिए और इंजॉय करिए अपनी साइंस को। बिल्कुल, थैंक यू। आप इंजॉय करें अपनी साइंस को, बहुत ही फन एक्टिविटीज़ हैं, सो दैट यू कैन लर्न इन फन, फन मैटर्स। और स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। खेल खेल में जब चीज़ें सीखते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से हमें याद रहती है और समझ में आती है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे सभी लर्नर्स को बताया कि किस तरह से वो कॉम्पोनेंट्स को मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ रही हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर रविज्योत संधु, और अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे जो है वेबिनार, जिसमें हम बात करेंगे एक आईसीटी टूल के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आईसीटी टूल है, आप उसे सुने और उसका हिस्सा बने उस प्रोग्राम का। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्टी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।